हिमाचल दे सिरमौर जिले च इस वार दी दिवाली नूं खास बनाउण दी तैयारी चल रही है। तो इह दिवाली च मिट्टी दे दीवे तां वेखे होणगे, चमचमाउंदे चाइनीज़ दीवे वी वेखे होणगे, पर सिरमौर च इस वार दिवाली लई गां दे गोहे नाल दीवे बनाए जा रहे हन। पशु पालन विभाग ते जिला प्रशासन ने महिलावां नूं आत्म निर्भर बनाउण लई इह पहल कीती है। हमने बहुत सारी महिलाओं को दिया बनाने के लिए इस कार्य के लिए जोड़ा है, प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम जैसे DRDA के सौजन्य से भी चल रहा है, तो सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे लाकर ये कार्य सिखाने का हमारा ध्येय भी है। नहान नेड़े बाला सुंदरी गोसदन च महिलावां नूं गां दे गोहे तो दीवे बनाउण दी ट्रेनिंग दित्ती जा रही है, तां जो उन्हां नूं घर दे कोल ही रोजगार मिल सके। महिलावां भी इस काम च वध चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। गोबर से दिए बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमको ट्रेनिंग दी जा रही है, रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। हमें यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है। यहाँ पर गौशाला में हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है गोबर से दिए बनाने की, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जिला प्रशासन दी इस पहल च फिलहाल 10 तो 12 महिलावां नूं ट्रेनिंग दित्ती जा रही है, जो रोजाना इत्थे पहुंच के गोहे दे दीवे बनाउणा सिख रहियां हन। उंज तां दिखण च आम वर्गे नजर आउण वाले इह दीवे कई तरीकियां नाल विशेष हन। ये दीवे जो है बिल्कुल टेस्टी रहे और इसमें जो हमारा पशुपालन विभाग है वो ट्रायल कर रहा है कि इसमें ना तो ये गर्म होते हैं, रीयूजेबल हैं। जब आप इसको यूज करने के पश्चात अगर खाद के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 100% ये बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल पर्यावरण हितैषी है और सस्ते में बने गाय के गोबर से। प्रशासन की कोशिश है कि इस बार दी दिवाली नू गोहे दे दीवे खास बनाउंगे। कोशिश है कि ई दिवाली आत्मनिर्भर बनन दी राह उत्ते निकलियां महिलावां दी जिंदगी नू भी रोशन करेगी, पर इस च समाज दी हिस्सेदारी भी जरूरी है। हमारे महिलाओं के लिए एक इनकम का साधन बनेगा और थोड़ा सा हम टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि दिवाली तक लगभग 10,000 से 20,000 तक के दिए हम बनाएं, और लोगों से आग्रह यही रहेगा कि बढ़ चढ़ कर इन दियों को वो खरीदे ताकि इसका जो अंश है इनकम का वो महिलाओं तक पहुंचे और वो अपनी इकोनॉमी को इस माध्यम से अर्जित कर सके। गां दे गोहे नाल दीवे बनाउण दी इस पहल च प्रशासन कई मुश्किलां दा हल देख रहा है, जिन्हां च इक समस्या है अवारा पशुआं दी वध रही तादाद। इस मुहिम राही प्रशासन आत्मनिर्भर भारत दे नाल लोकल तो वोकल बनाउण वल भी कदम वधा रहा है, ते नाल ही सड़कां उत्ते घूमदे अवारा पशुआं दी तादाद उत्ते भी लगाम लगाउणा चाहुंदा है। आने वाले समय में इसकी कीमत तय करेंगे और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन सबको जोड़ेंगे ताकि हमारे सड़कों पे जो पशु रोग निराश्रित छोड़ रहे हैं उसमें कमी आए। जो हमारी दिवाली आ रही है ये सब के लिए इको फ्रेंडली हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स हम यूज करें, बी वोकल फॉर लोकल। दरअसल सड़कों उत्ते वध रही अवारा पशुओं की तादाद हर सूबे की समस्या बनी हुई है। गोहे तो दीवे बनाउण दा ये आइडिया पशुओं तो अवारा छड्डन वाले लोगों लई पैसे कमाउण दा जरिया है, ते प्रशासन लोगों नूं इही गल समझा रहा है। लोगों में एक यही मैसेज देने की इच्छा थी और एक प्रयास है प्रशासन और विभाग का कि इनको छोड़े नहीं, चाहे दूध नहीं लेकिन गोमूत्र और गोबर, एक दोनों गाय से मिलने वाले बहुमूल्य पदार्थ हैं जिनको थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग इंटरवेंशन और जिसको बोलते हैं अपग्रेडेशन के साथ एक इकोनॉमी का अच्छा साधन अर्जित किया जा सकता है। कुल मिला के ई गोहा बहुत सारे मसलियां दा हल साबित हो सकता है। हुन इंतजार दिवाली दा है ते उम्मीद भी दिवाली तो है, जो इना दीवियां दे सहारे रोशन होई ता महिलावां भी आत्मनिर्भर होणगियां, इना मेड इन सिरमौर दीवियां नूं पछाण भी मिलेगी, ते हो सकदा है कि अवारा पशुआं दी समस्या तो छुटकारा पाउण दा विचार भी इना दीवियां दी रोशनी विच प्रकट होवे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.